गाइस अभी आए शेयर और क्या पानी चिकन छोड़ नहीं लिया मम्मी और पापा के लिए खाएगा तो भाई कॉफी सबसे चिकन नूडल्स डोसा एक हाउस ऑफ कैंडी मिल गया। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। और आज है डे 3। भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, मतलब इन 3 दिनों में हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है। हम जा रहे हैं खाने के लिए, तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमने मैगी करा ली थी यहाँ से ही, तो वो मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि भाई मेरे को हो रही थी लाइक ठंड भी लग रही थी और भाई बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था उठ के व्लॉग करने का। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके सीधा व्लॉग करा है एंड अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो आज कुछ तंदूरी चिकन टाइप खाने जा रहे हैं, बहन तो खाती नहीं है तो मेरे को खाना है भाई यहाँ का तंदूरी चिकन, क्योंकि 2 दिन में तो हमने कुछ ऐसा खाया नहीं है, ज़्यादातर स्ट्रीट फूड ही खाया। तो अभी चलो सीधा मिलते हैं शॉप पे, सो लेट्स गो। गाइस अभी आए शेयर इन पंजा, बट हमने उधर का भी खाया था बट इतना अच्छा नहीं था। किधर का? अभी वहाँ का नहीं खाया था जो माल रोड में खाया था, याद नहीं? माल रोड में भी तो सेम जगह थी, नाम सेम था पता नहीं, बट यहाँ का ये क्या मंगाना है भाई? तो गाइस सीधे मंगा सकते हो बट हमारे अकॉर्डिंग स्टार्टर ही मंगाएंगे हम। सब्जियाँ ही मंगाएंगे, लंच कर रहे हैं वो भी। चलो भाई लंच करते हैं। तो अभी गाइस लंच करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं और लंच दिखाता हूँ क्या क्या करेंगे। लेट्स गो। हमने ऑर्डर किया अफगानी चिकन छोले एंड पनीर। पनीर खा भाई। भाई अभी खाना वाना खा लिया है बट एक चीज़ थी कि लाइक वो जो अफगानी चिकन था वो मेन्यू में नहीं था, तो हमने ऐसे ही बोला था कि बना सकते हो, तो उन्होंने बोला हाँ, बट मेरे हिसाब से बाकी सारे चिकन ना 500 रुपए के थे पर वो हमें 700 रुपए का पड़ा, जो कि ठीक है, क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही थी और टेस्ट भी अच्छा था, हमने बहुत बहुत खाया भाई। एंड अगर आपको खाना है तो आप आ सकते हो, जो हमारा होटल क्या कहते हैं होम स्टे है उसके जस्ट ऊपर ही है, तो बहुत पास में भी है और यहाँ पर सामने जायका भी है। ये रहा सामने जायका और जायका के सामने ही है यहाँ पर ये, और यहाँ से नीचे हमारा होम स्टे। सो आई थिंक भाई अभी लकड़ बाज़ार आ रहे थे और ये बैक साइड है लकड़ बाज़ार की, काफ़ी छोटी जगह है बट ठीक है। ओ भाई दिन 3रा दिन है और रात को हम पहले वाले दिन निकले थे भाई, इतना देखो भाई कितनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है और कोहरा ही कोहरा हो रहा है यहाँ पे, बट जो भी है भाई हद से ज़्यादा ठंड है। अगले दिन हमने जाना है तो हमने सोचा रात का खाना यहीं से कर लेते हैं लकड़ बाज़ार से, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। भाई ये चीज़ सही कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा देख लो एक बारी। और अभी हम माल रोड जा रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट से और हमें जाना है ऊपर की तरफ। ओ भाई तुम देख रहे हो पूरा चर्च और ये रही धुंध और अपना इंडियन फ्लैग। तो गाइस हमारे बच्चों ने ट्रेडिशनल हिमाचली ड्रेस पहनी है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे फिर से आ गए आइसक्रीम पार्लर और ये लोग खा रहे हैं, ये क्या खा रहे भाई? स्ट्रॉबेरी वनीला चॉकलेट बटरस्कॉच, अलग ही है भाई। रात हो रही है और हम आराम से यहाँ पे चिकन मोमोज खा रहे हैं गरम गरम खाना है। ज़्यादा कुछ ठंड है, अपन तो ऐसे हो गया है, काफ़ी ठंड है गाइस, तो मफलर और लेके कैरी करना जो भी है। ठंड में साला दिमाग में नहीं चल रहा मेरा, इतनी ठंड हो रही है, ब्रेन फ्रीज हो गया मेरा यहाँ पे। और भाई अंकल बन चुका हूँ मैं पूरी तरह से, मैं तो जा रहा हूँ भाई खाना वाना खा के सीधा होटल, यहाँ पे नहीं हो रहा भाई सैर। चलो ठीक है, आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द माल रोड, क्योंकि आशी और वगैरह सारे लोग फोटोशूट करा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई माल रोड को भी देख लेते हैं। लक्कड़ बाज़ार तो कर ही लिया था तो अभी सीधा चलता है माल रोड, क्योंकि लक्कड़ बाज़ार के मतलब इसके चर्च के पहले ही ना एंट्रेंस में आपको ये रास्ता मिल जाएगा नीचे जाने को, बहुत सारे रास्ते हैं नीचे जाने को भाई बहुत। चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। नीचे उतर चुके हैं कैफे 187 में भी यहाँ पे जाए और एक कुछ यहाँ पे जाएंगे अभी, यहाँ से चलो थोड़ा आगे चलते हैं,
या तो आगे चलेंगे या तो पीछे चलेंगे, कोई नहीं, दोनों तरफ से कैप्चर कर लेंगे जो जो दिखेगा। भाई कुछ ऐसा सीन है यार, बंदे फोटो शूट करा रहे हैं। ला पिनो पिज़्ज़ा, सैमसंग, ओप्पो, खाने के बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। केक मास्टर ज्ञानी, नाइस शॉप, पर अभी पेट भरा हुआ ना खा लेते। जो मैं देख रहा हूँ आप भी देखो, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से। ओ भाई इतना ओपन अप एरिया, रेड टेप का शो, समझ में नहीं आ रहा है इस बंदे के कितने ब्रांड्स हैं यहाँ पे, पर उतना अच्छा खाना नहीं है जितना अच्छा है इसका लाइक। पर खैर देखो आपकी चॉइस है, अगर आपको खाना आप खा सकते हो यहाँ पे भी है। गाइस इस मार्केट में बेसिकली आपको ये सारी शॉप्स देखने को मिलेगी, वुमेन्स क्लोथ्स वगैरह सब वही है भाई, वुमेन क्लोथिंग वगैरह सब क्लोथिंग है यहाँ पे। मेरे पास तीसरा फोन है, ये पसंद आ रहा है? मटेरियल कैसा लगा तेरे को? मैं सोचा कि भाई शॉप से कुछ ले लेता मम्मी के लिए, मम्मी के लिए भी सरप्राइज हो जाएगा, तो मम्मी को शॉर्ट्स वगैरह पसंद है, तो लेट्स सी कैसे शॉर्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ही देखूंगा और शॉप जो पसंद आएगी मैं बता दूंगा आपको वीडियोस में। चलो भाई देखते हैं क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। इतना मजदूरी करने के बाद, मतलब इतना देखने के बाद, मेरे को जो पहली शॉप थी मेरे को वही सही लगा, तो वहीं से ले लेता हूँ कश्मीरी शॉल मम्मी के लिए, और लेट्स सी जो बेस्ट प्राइस लगेगा वो देख लेंगे, और शॉप तो मैं दिखा ही दूंगा आपको कौन सी थी। लेट्स गो। इस शेर पंजाब के पास में ही है ये शॉप, और यहाँ से हमने गिफ्ट ले लिया मम्मी और पापा के लिए, एंड ये रिवील होगा दिल्ली जाके। ये है शिमला का आई थिंक फेमस ही है थिएटर, उसके बाद चला भी गया यहाँ से, और इसकी एंट्रेंस कुछ यहाँ पे है। अभी बड़ा है यार थिएटर के नाम पे, थिएटर के आगे कुछ, आपको ये जो चीज़ है भाई इसका नाम है किताबगढ़, तो यहाँ पे आई थिंक सैंडवुड, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मिल जाता है। अभी मन नहीं है भाई जाने का क्योंकि फ्री एंट्री है, बट अभी हमको खाना ढूंढने का है तो हम खाने की तलाश में चलते हैं। भाई क्या ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे। फाइनली दुकानें बंद हो रही हैं, बट इंडियन कैफ़े हाउस में हम जा रहे हैं अब, और देखते हैं भाई अंदर क्या क्या है, तो जब खाना आएगा देन दिखाएंगे। तुम एक बार मेन्यू देखो यार, इसका प्राइसिंग देख रहे हो कितने सस्ती प्राइसिंग है। मतलब भाई कॉफ़ी है, इतना झाग तो नहीं होता वैसे कॉफ़ी में, और इसको पीछे देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं भाई एक कॉफ़ी का सिप। मत मंगाना भाई पानी, एक तो सर्फ एक्सेल जैसा दिख रहा है, ये बहुत बेकार है भाई। टन नूडल, डोसा, मसाला डोसा, वड़ा एंड वेज चाउमिन, अभी ये खा रहे हैं। मेरे को पता चला ये सरकारी लाइक गवर्नमेंट जो भी कैफे है, अभी मटन कीमा चाउमिन ट्राई कर रहे हैं। मतलब मत करना ट्राई, नॉर्मल चाउमिन चाहिए तो नॉर्मल चाउमिन खा लेना, बाकी ठीक है अगर मटन पसंद है तो खा सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से ट्राई मत करना। अरे ये मैंने 130 का मटन नूडल खाया, पर मेरे को लग नहीं रहा वो मटन है, और मेरे को ना यहाँ पे कुत्ते भी कम लग रहे हैं बड़े, तो मैं आधा छोड़ के आ गया जैसे मेरे को पता चला 130 का, और थोड़ी स्मेल मार रही, पता नहीं मटन ऐसा स्मेल मारता नहीं मारता, बाकी वही कह रहा हूँ यार। खैर जो भी है, मटन नूडल नाम नाम का था, 130 का मटन नूडल मैंने आज तक नहीं सुना, और 130 का क्या कहते हैं पनीर नूडल भी था, मटन और पनीर में कोई डिफरेंस नहीं है भाई देख रहे हो। और बाकी और जो सांभर था ऐसा लग रहा था दाल पी रहे हो तुम, मतलब भाई देखो तुम्हें आना है ना मत खाना ठीक है, मतलब लाइक डोसा खा सकते हो डोसा वगैरह, पर तूने जो तूने नहीं इसमें तूने सांभर खाया था तेरे को कैसा लगा? मेरे हिसाब से तो पानी वाली दाल थी। अबे तो मैं बोल रही हूँ डोसा सही था, सरकारी है। अच्छा हाँ भाई सरकारी है, और भाई साहब ऑर्डर नहीं ले रहे थे, कहते जल्दी जल्दी करो ऑर्डर नहीं लेना, मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, सरकारी ड्यूटी है मेरी, ना एक पर्टिकुलर वो होता है, पर
खैर छोड़ो, ठीक था, खा सकते हो सांभर डोसा, डोसा खा सकते हो। इसी की लाइन में ना एक फैंसी रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, अगर खाना है तो खा लो, ठीक है। अगर तुम्हें बजट जाना है और ठीक ठाक खाना खाना है, एवरेज खाना खाना है, तो ये सही है। और अब यहाँ का नहीं हिसाब पता मेरे को, और अभी पेट भी बहुत ज़्यादा फुल हो गया मटन खा के, तुम समझ ही जाओ मटन खाया मैंने, क्या खाया मेरे को खुद नहीं पता। ओ भाई क्या नज़ारा है, मस्त भाई नज़ारा देखो यार पीछे का कितना मस्त है। और अभी खाना वाना खा लिया जैसे मैंने बताया था, अब जा रहे हैं सीधा किधर होम स्टे में, और वहाँ पे जाके रेस्ट करते हैं क्योंकि हमें सुबह उठना है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 10:30 की बस है हमारी। तो जल्दी से जल्दी भाई होम स्टे में पहुँचते हैं एंड पैकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान फैला हुआ है भाई, हद से ज़्यादा सामान फैला हुआ है। और अभी फटाफट से पैकिंग करेंगे देन सोएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है भाई, मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू। वंस अगेन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। बहुत बढ़िया।